नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेआना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। चोरी, दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर लूट, हत्या जैसे जघन्य अपराध गुना में थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पुलिस की कितनी भी कोशिश के बाद अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी प्रदेश में शांति का टापू कहा जाने वाला शहर गुना, इन दिनों अपराधों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस की कोशिश अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। वहीं अपराधियों के सामने पुलिस बोली नजर आ रही है। कल ही की बात करें तो नानाखेड़ी पर पुलिस चौकी के सामने हुई लूट के अपराधी अभी पुलिस के हाथों से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। वहीं आज फिर कैंट क्षेत्र के अंतर्गत गुना से महज 15 किलोमीटर दूर मकरोदा डैम के पास मुआवान के जंगल में 40 से 42 वर्षीय अज्ञात विकलांग युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं शव को जंगल में फेंक गए। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो देखा कि उमरी चौकी से एक हवलदार, एक सिपाही शव के पास खड़े हुए हैं। वहीं काफी देर खड़े रहने के बाद करीब एक घंटे बाद पुलिस के साथ एफएसएल अधिकारी जांच स्थल पर पहुंचे। उसके बाद कैंट पुलिस डायल 100 से आई। शव देखकर लगता है कि हत्यारों ने विकलांग युवक की हत्या उसी स्थान पर की है, साथ ही उसके गुप्तांगों को भी जलाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर यह हत्या अवैध संबंधों के चलते की हुई है। पुलिस ने मामला जांच में लेकर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। वहीं नजदीकी रहने वाले लक्ष्मण केवट की बात माने तो रात में दो मोटरसाइकिल सवार वहां से निकले थे और काफी आवाजें आ रही थी। जब सुबह उसने उठकर देखा तो यहां पर एक शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दे दी। तो ये जो हत्या हुई है, कितने बजे घटना है, आपने क्या देखा? ये सब मोटरसाइकिल आई थी इधर से 2 बजे के रात के करीब, तो उस पे आवाज आ रही थी चिल्ला शोर की। फिर वो गाड़ी इधर से 20 मिनट बाद वापस चली। सुबह हम दूध लेने जाते हैं इधर, तो हमने ये देखा कि कोई आदमी पड़ा है। फिर हमने फोन करा, मुखावन के जंगल में जो ये लाश मिली है, ये करीब 40 से 45 वर्ष का एक व्यक्ति है, जिसका दाएं पैर पूर्व से कटा है और प्राकृतिक पैर लगा हुआ है जो अलग पड़ा है। इसके गर्दन में काफ़ी बड़ा घाव है जो किसी ज़्यादा हथियार का हो सकता है, और इसके शरीर पर और कोई निशान नहीं है, एक ही घाव है जो गर्दन जिसे प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया है, इसकी यदि पहचान करेंगे, इसकी जांच की जाकर इसका पता लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है और कैसे, किसने इसका इसके साथ वारदात किया है। किस थाने का मामला है सर? ये अभी तो कैंट बता रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों न्याना और कैंट की पुलिस है मौके पर, और जिसकी भी क्षेत्र में होगा, क्षेत्र किसी का भी हो, कार्रवाई संजीदगी के साथ। ये मकरावदा डैम है, उसके थोड़ा सा आगे अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिसका गला काटा गया है कुल्हाड़ी वगैरह से, उसके गुप्तांग जलाया गया है, और वहाँ से सूचना मिली है, अधिकारी पहुँच गए, कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात कोई व्यक्ति द्वारा हत्या करना डैम के पास जल जाए। सड़क हादसे में एक की मौत तथा एक घायल। सड़क हादसे में एक की मौत, वहीं एक घायल। आरोन के पास ग्राम तमेड़ी में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे ग्राम तमेड़ी निवासी लक्ष्मण सिंह बंजारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी नारायण सिंह घायल हो गया, जिसे शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक दोनों फरार है। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। तो भिड़ंत कर दी। कौन चला रहा था ट्रैक्टर? देवेंद्र देवेंद्र। अच्छा, जिनकी
मौत हुई है उनका क्या नाम था? लक्ष्मण। और जो घायल है उनका क्या नाम है? नारायण सिंह। ट्रैक्टर का क्या नाम है? और घासीराम है मेरा। घासीराम बंजारा। कौन से गांव के निवासी हो आप? तमेड़ी के। तमेड़ी। ट्रैक्टर पकड़ा हुआ क्या? नहीं, भगा लेगा एकदम। गांव के बगल में वो तो पकड़ा ही ना। किसने देखा था कि उसका ही देखा? हमने पूरे गांव में देखा था। आरोन से हमारे सहयोगी राजेश जैन की रिपोर्ट। आज आपको एक ऐसा सामुदायिक केंद्र दिखाते हैं जहां पर मरीजों के बैठने की जगह तो बिल्कुल ही नहीं है, वहीं अफसर और कर्मचारियों की गाड़ी खड़ी की जाती है। हम बात कर रहे हैं सामुदायिक केंद्र की, जहां पर डॉक्टर मरीजों से मंगवाते हैं बाहर से इंजेक्शन और दवाइयां। इसके साथ ही अस्पताल में मरीजों को बैठने की कोई जगह नहीं है। वहीं स्टाफ के लोग अस्पताल के अंदर अपनी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, यानी कि उसको बना दिया है पार्किंग स्थल। यहां समय पर उपलब्ध कभी भी नहीं होते हैं डॉक्टर, और मरीज हमेशा इंतजार करके और परेशान होते रहते हैं। ऑफिस में लगा रहता है ताला, बीएमओ मैडम भी यहां नहीं पहुंचती हैं। अस्पताल में लगा है गंदगी का अंबार। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है अस्पतालों में निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने में, जिससे मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सके और उन्हें महंगी दवाइयों के बोझ से भी छुटकारा मिल सके, पर यहां तो नजारा कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं साडा कॉलोनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सारा सहल गांव से एक गरीब दिव्यांग बुजुर्ग अमरलाल मीना को आवारा पागल कुत्ते ने पैर में काट लिया। उस बुजुर्ग का इलाज कराने के लिए उसका बेटा उसे साडा कॉलोनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचा। उसने अस्पताल के काउंटर पर पर्चा बनवाया, साथ ही बुजुर्ग को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। वही डॉक्टर ने उन्हें एक पर्चा दिया जिसमें इंजेक्शन लाने की बात कही थी। बेटा इंजेक्शन लेने के लिए बाहर गया, वापस आया तो डॉक्टर साहब चले जा चुके थे। ऐसा ही माजरा होता रहा दो दिन तक। मतलब दो दिन तक परेशान होने के बाद भी उस गरीब बुजुर्ग का इलाज नहीं हो पा रहा था। तीसरे दिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद बुजुर्ग का कहीं इलाज संभव हो पाया। अच्छा, पहले अच्छा तो क्या कह दी डॉक्टर ने? सुई लगा बने ला हम पे से रुपए लेके सुई मंगाई। अच्छा, तुमसे रुपये लाए सुई मंगावे? और का, 50 रुपया। अच्छा, जब जाक सुई लगाई? जब सुई लगाई थी। अच्छा, कौन ने लाए थे रुपये? डॉक्टर ने? हाँ, हमने देखा ही बात है कल भाई देना हमने जाना है, हमको ना जाएंगे और घर काट देंगे तो ले जाए कल मैं थैंक यू और ठीक के एक दिन पीछे। अच्छा, सुई मंगवा लेंगे। अच्छा, मुफ्त को इलाज का है को? हाँ, पैसे ले रहे हैं। 10 रुपया तो पर्ची के लिए, 50 रुपया अलग से, 50 में सुई आए, 60 रुपया अभी कर दूँगा। सही है, कहाँ कम से नहीं दिखावे कचू? कम से कचू दिखेगा? दिखा नहीं कच। अच्छा, कचू में दिखा कम से कुछ नहीं। इस अस्पताल में डॉक्टरों की खूब मनमानी चलती है, वहीं मरीजों को डॉक्टर का हमेशा इंतजार ही करते रहना पड़ता है, सही समय पर मरीजों का इलाज भी नहीं हो पाता है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वहां के कर्मचारियों ने बना रखा है पार्किंग का अड्डा। यहां स्टोर रूम के अंदर कर्मचारी अपनी मोटरसाइकिलों को रखते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के कमरों में हमेशा लगा मिलता है ताला। कभी कभार ही खुला होता है इनका दरवाजा। अस्पताल के बीएमओ मैडम भी कभी कभार ही अस्पताल में दिखाई देती हैं। उनके रूम में भी अक्सर ताला ही देखने को मिलता है। अस्पताल के गेट में बनी एक छोटी सी खिड़की में से निकलने को मजबूर है वहां के मरीज। इसके साथ ही अस्पताल में गंदगी का अंबार भरा पड़ा हुआ है। रावगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह के साथ कमलेश सैनी की रिपोर्ट।
करनादा पुलिस द्वारा एबी रोड रुठियाई चौकी पर गुरुवार सुबह चेकिंग के दौरान एक गोवंश से भरे कंटेनर को पकड़ा, जिसमें करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा बच्चे ठूस ठूस कर भरे गए थे। उक्त ट्रक को ग्वालियर से बछड़ों को भरकर लाया गया था, जो कि महाराष्ट्र काटने के लिए भेजा जा रहा था। दरनादा थाना प्रभारी नीरज बिरथा ने बताया कि गुरुवार के सुबह वे स्टाफ के साथ रुठियाई में नियमित चेकिंग कर रहे थे, तभी गुना से उक्त टैंकर आते हुए दिखा, जिसकी चेकिंग करने पर पता लगा कि उसमें 50 बछड़े ठूस ठूस कर भरे गए हैं। पुलिस ने कंटेनर चालक मुइन पुत्र रज्जाक खान निवासी भरतपुर राजस्थान, मोहम्मद फिरोज पुत्र मोहम्मद एहसान, आस मोहम्मद पुत्र मोहम्मद बिंदु कुरैशी एवं अफसर पुत्र सलमान खान निवासी गंड कौशिकला मथुरा को पकड़ा। पकड़ में आए तस्करों ने बताया कि उक्त गौवंश उनके द्वारा कंटेनर मालिक आजाद खान के कहने पर ग्वालियर के जंगलों से भरकर महाराष्ट्र कटने के लिए ले जाए जा रहे थे। आरोपियों पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम, गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं मध्य प्रदेश कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार अवैध कार्य करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में आज मुखबिर की सूचना पर सुबह एक कंटेनर को हम लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद पूरा जाम लगाकर ये भी रोड पर रोका। रोकने के बाद उसमें 4 आरोपी निकले, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की। कंटेनर को खोला गया तो उसमें 50 बछड़े बड़ी क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे, जिनको संभवतः वध के लिए ले जाया जा रहा था। उसमें कई अधिनियमों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये संदर्भ में जांच चल रही है। ग्वालियर से होकर आए थे, ये शायद यूपी से आ रहे थे। और सर, इनके पीछे कोई बड़ी तस्करी का हाथ या कुछ है? ये संबंध में जांच जारी है। रुठियाई से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा मनाए जा रहे अश्वमेघ यज्ञ की रजत जयंती पर्व पर आज महिलाओं ने एवं बालिकाओं ने रंगोली बनाई, जिस पर दीपदान होने थे। आयोजकों ने बताया कि यहां पर हजारों की तादाद में आज दीपदान हुए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने यहां पर ज्ञान यज्ञ में भाग लेने के साथ साथ गुरु दीक्षा भी ली। वहीं आपको बता दें कि कल 108 कुंडीय महायज्ञ की पूर्णाहुति भी होना है। आज गायत्री महायज्ञ हमारा दूसरे दिन का संपन्न हुआ है। प्रातःकालीन मेला में उसमें विभिन्न संस्कार हुए थे। करीब यहाँ पर 500 लोगों ने दीक्षा संस्कार आज लिए हैं। सो हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार सुबह हुए थे, फिर प्रारंभ संस्कार हुए। चूँकि गायत्री परिवार विराट स्तर पर काम कर रहा है, तो विभिन्न संस्कार हम लोग हर कार्यक्रम में करते हैं। यह अश्वमेध यज्ञ की हमारी 25वीं वर्ष के उपलक्ष्य में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हो रहा है। उसकी आज हजारों दीप दान यहाँ बहने करेंगी यज्ञशाला में, और उस यज्ञशाला के दीपदान के उपलक्ष्य में आज ये सारी बहनों ने रंगोली लगाई है। इन्हीं रंगोली के ऊपर दीपदान किया जाएगा और ज्ञान यज्ञ के साथ हमारा यह अंतिम सत्र आज समापन है। कल इस गायत्री महायज्ञ की महान पूर्णाहुति होगी, 108 कुंडीय यज्ञ की। उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम विराम लेगा। तो इस लघु समाचार पत्र भोपाल कल्याण मध्य प्रदेश इकाई गुना एवं संपूर्ण सनातन ब्राह्मण महासभा की ओर से 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शांति कुंज हरिद्वार से पधारे राष्ट्रीय पुरोहित पंडित श्याम बिहारी दुबे जी का सम्मान कार्यक्रम सत्संग भवन हनुमान चौराहे पर रखा गया, जिसमें श्री दुबे जी ने समाज में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में संपूर्ण सनातन ब्राह्मण महासभा एवं ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति ने भी राष्ट्रीय पुरोहित जी का सम्मान किया। ये जो कुछ भी आप लोगों ने
सम्मान का यहाँ पर क्रम रखा है। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का आशीर्वाद है। आप लोगों के साथ में, आप लोगों के बीच में ही यहाँ पर मैं बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और भीतर से ब्रह्म प्रेरणा हुई और अपने संस्कार और संस्कृति को जन जन में पहुँचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मैं यूरोप के 8-10 देशों में तथा इधर आश्रिया महाद्वीप में पहुँचा हूँ और वहाँ पर अपने परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाया है। और हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति कितनी गौरववान है, इस गौरव से लोगों को परिचय कराया है। जी के साथ में फैली है, मानव मूल्यों का बड़ा ह्रास हुआ है और मानव मूल्यों का ह्रास भौतिक दृष्टिकोण के कारण हुआ है। यदि हम भौतिकता से थोड़ा ऊँचा उठ करके सोचें, समझें तो हमको हम भारत को दोबारा से वो गौरव प्रदान करा सकते हैं, जैसे कि माता पिता को प्रसन्नता हो। आज माता पिता का भी दृष्टिकोण ये हो गया कि मेरा बच्चा क्या कमा रहा है, उसके अंदर संस्कार कौन से है, यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों में संस्कार जगाएं और बच्चों की महा जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर सेवा भाव पैदा करें। तो आज जो समस्या दिखाई दे रही है वो समस्या मिट जाएगी। डीजीआर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।